द एडवेंचर्स ऑफ एन अंडरस्टडी। अंडरस्टडी, अंडरस्टडी वो एक इंसान होता है जो एक एक्टर होता है और एक पर्टिकुलर रोल को प्ले करता है जब कोई यूजुअल एक्टर एब्सेंट होता है, उसकी जगह पे जो रोल प्ले करता है उसको अंडरस्टडी कहा जाता है। तो ये लेसन जो हमारा है ये एक अंडरस्टडी का एडवेंचर है कि उसके साथ क्या हुआ उसको एक्सप्लेन करता है। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं इसको शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये है क्या स्टोरी। इस लेसन को लिखा है सर एंथनी होप हॉकिंस ने, और इनके दो फेमस बुक्स थी, एक बुक का नाम था द प्रिजनर ऑफ जेंडा और दूसरी बुक का नाम था, सीक्वल था उसका, रूपर्ट ऑफ हैंजो, यानी जो प्रिजनर ऑफ जेंडा बुक थी उसी का दूसरा सीक्वल था जिसका नाम था रूपर्ट ऑफ हैंजो। पर ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो लिया गया है ये लेसन, ये इनकी जो पहली बुक है द प्रिजनर ऑफ जेंडा उसमें से लिया गया है। तो इसमें पूरी बुक को नहीं एक्सप्लेन किया है लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट एक्सप्लेन किया है। और इसमें क्या होता है कि जो रेसेंडल है, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, रेसेंडल है वो रुडोल्फ का एक कज़न लगता है बहुत दूर का, और बहुत ज़्यादा सिमिलर है दोनों का अपीयरेंस बहुत सिमिलर है, देखने में बहुत एक जैसे लगते हैं। तो जब उसका कोरोनेशन होता है रुडोल्फ का, कोरोनेशन मीन्स राष्ट्रतिलक, तो उस टाइम जो है रेसेंडल को बुला लिया जाता है क्योंकि रुडोल्फ की तबीयत ख़राब होती है। और अगर ये रुडोल्फ यानी जो असली जो राजा होने वाला है वो अगर कोरोनेशन अटेम्प्ट नहीं करता है तो उसका जो सौतेला भाई है, हाफ ब्रदर माइकल, वो राजा बन जाएगा। तो इस वजह से, इस सिचुएशन से बचने के लिए, क्योंकि रुडोल्फ की तबीयत ख़राब थी, रेसेंडल को बुला लिया जाता है। और इस लेसन में पूरा उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से रेसेंडल ने उस रोल को प्ले किया किंग रुडोल्फ बन के, और लास्ट में यही होता है कि रुडोल्फ को ही राजा बना दिया जाता है। रेसेंडल जो किंग रुडोल्फ का लुक अलाइक है, लुक अलाइक मीन्स देखने में एक जैसी शक्ल वाला है, वो इंग्लैंड से रूरिशेनिया जा रहा है, ट्रेन के थ्रू जा रहा है किंग रुडोल्फ से मिलने भी और कोरोनेशन को अटेम्प्ट करने के लिए भी। क्योंकि एक बार वुड्स मीन्स जंगल में इसकी अचानक से मुलाकात रुडोल्फ से हो गई थी, और जब इन दोनों ने एक दूसरे को देखा तो इन्हें लगा कि अरे हम दोनों तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से सिमिलर हैं, हमारा फेस, हमारा अपीयरेंस बहुत कुछ मिलता जुलता है। यहाँ तक कि उन दोनों का जो बालों का शेड था वो भी बिल्कुल ब्रिलियंट रेड कलर का था, और रुडोल्फ जो है बहुत ही रॉयल एल्बर्ग फैमिली से बिलोंग करता था, और रेसेंडल उसका कज़न था लेकिन बहुत ही दूर के रिश्ते का था। लेकिन जब इन दोनों ने एक दूसरे को जंगल में देखा तो देखा कि उनके बालों का कलर भी सेम वही था और बाकी हर चीज़ बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी। दूसरे दिन रुडोल्फ जो राजा बनने वाला था वो अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी बेहोश हो जाता है, और कोरोनेशन यानी राष्ट्रतिलक को अटेंड करने में असमर्थ होता है। लेकिन क्योंकि शो चलना चाहिए, काम होना चाहिए, दुनिया तो रुकती नहीं है किसी के बीमार होने की या किसी और वजह से, लेकिन अगर ये कोरोनेशन नहीं अटेम्प्ट करता तो जो राजा का हाफ ब्रदर था यानी सौतेला भाई था जिसका नाम था माइकल, ब्लैक माइकल, ब्लैक इसलिए उसे कहा जाता था कि वो सांवले रंग का था, और वो स्ट्रेलसाओ एक प्लेस का नाम था, वहाँ का ड्यूक था। तो अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो राजगद्दी हड़प लेता, उसे फिर राजा बनाना पड़ता, और रुडोल्फ बिल्कुल नहीं चाहता था कि ब्लैक माइकल राजा बने। अब रुरिशेनिया को बचाने के लिए रेसेंडल को प्रिटेंड करना पड़ा कि वो खुद रुडोल्फ है, और उसको फिर वहाँ पे कोरोनेशन में पार्ट करना पड़ा। यहाँ तक कि जो राजा का दोस्त था यानी रुडोल्फ का दोस्त कर्नल सैप्ट और एक प्रिंसेस थी जिसका नाम था फ्लेविया, सिर्फ इन्हीं दोनों को पता था कि ये जो लुक अलाइक है रेसेंडल रुडोल्फ का, बस वही जो है राजा बन के आ रहा है, बाकी किसी को नहीं पता था कि इस तरह से कुछ किया जा रहा है। पैराग्राफ 1, द गेम हैड बिगन, गेम स्टार्ट हो गया, इसका मतलब है कि काम अब शुरू हो गया, हमारा प्ले स्टार्ट हो गया। द कूल मॉर्निंग एयर स्ट्रीमिंग इन थ्रू द विंडो ऑफ द ट्रेन क्लियर्ड माई हेड एंड आई वॉज एबल टू टेक इन ऑल सेट सेट टू मी। अब ये स्टोरी जो है रेसेंडल नरेट कर रहा है, उसने कहा कि जो ठंडी हवा थी सुबह की वो ट्रेन की खिड़कियों से होते हुए मेरे सर तक आई, मेरे दिमाग तक आई, मुझे फ्रेश कर दिया, और सैप ने मुझसे जो जो कुछ कहा वो मुझे अब समझ में आने लगा। सैप कौन था? राजा का रुडोल्फ का फ्रेंड था, जो कर्नल सैप था। तो उसने जो है जो जो कुछ बताया अब मुझे समझ में आने लगा। ही वॉज वंडरफुल, सैप बहुत अच्छा इंसान था। ही बिगैन एट वंस टू इंस्ट्रक्ट मी इन द हिस्ट्री ऑफ माई पास्ट लाइफ, वो अचानक से शुरू हो गया और मुझे मेरे पास्ट के बारे में बताने लगा। ऑफ माई फैमिली, ऑफ माई टेस्ट, परसूट्स, वीकनेसेस, फ्रेंड्स, कंपेनियंस एंड सर्वेंट्स, इन सब चीज़ों के बारे में वो उसे बताने लगा। He
ही टोल्ड मी द एटिकेट ऑफ द रुडिशेनिया कोड. एटिकेट क्या होता है? गुड मैनर, जो हमारे अच्छे मैनर होते हैं, फॉर्मल रूल्स होते हैं, जो हम रेस्पेक्ट से बात करते हैं, वो सारे हमारे एटिकेट्स होते हैं. तो इसने फ़ौरन जो रुडिशेनिया कोड के एटिकेट थे उसके बारे में बताने लगा. एंड प्रॉमिस टू बी कॉन्स्टेंटली एट माई एल्बो टू पॉइंट आउट एवरीबडी हुम आई ऑट टू नो. और उसने वादा किया कि वो हर वक्त मेरे साथ रहेगा ये बताने के लिए, ये इशारा करने के लिए कि किस इंसान से बात करनी है और किससे नहीं करनी है. एट 9:30, लुकिंग आउट ऑफ द विंडो आई सॉ द टावर्स ऑफ अ ग्रेट सिटी. करीब 9:30 बजे मैंने विंडो से बाहर देखा तो मुझे बहुत बड़े 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 टावर दिखाई देने लगे जो इतनी बड़ी ग्रेट सिटी में थे. योर कैपिटल माई लीग ग्रिंड ओल्ड सैप्ट विद अ वेव ऑफ हिज हैंड. फिर उस बूढ़े सैप्ट ने, क्योंकि वो बूढ़े थे, थोड़ा सा एज थी उनकी, उन्होंने अपने हाथ हिलाते हुए बहुत रेस्पेक्ट से, माई लीग एक रेस्पेक्टफुल मैनर होता है एड्रेस करने के लिए, तो उसने बहुत मजाक के अंदाज में मुस्कुराते हुए अपना हाथ वेव किया और मुझसे कहा कि योर कैपिटल माई लीग, यानी माई लॉर्ड, आपका कैपिटल आ गया है. लीनिंग फॉरवर्ड, लीनिंग यानी झुकना, आगे झुकते हुए, ही लेड हिज फिंगर ऑन माई पल्स. उसने अपनी उंगली मेरे पल्स पे, मेरी नस पे रखी, हाथों की नस पे रखा, अंदाज़ा करने के लिए कि क्या फीलिंग इस वक्त मेरी हो सकती है. अ लिटिल टू क्विक, सेड ही इन हिज ग्रम्बलिंग टोन. उसने कहा कि कुछ ज़्यादा ही क्विक है, यानी आपकी नसें जो हैं कुछ ज़्यादा ही फड़क रही हैं, आपका बिहेवियर, आपका नेचर कुछ ज़्यादा ही वो अच्छा हो रहा है इस टाइम. आई एम नॉट मेड ऑफ स्टोन, आई एक्सप्लेन. फिर मैंने एक्सप्लेन किया कि मैं पत्थर का बना हुआ नहीं हूँ, मेरे अंदर भी फीलिंग है. यू विल डू, सेड ही विद अ नॉड. तो उन्होंने सर हिलाते हुए कहा हाँ आप कर सकते हैं. देन ही पॉज्ड एंड लुकिंग एट अस सेड क्वाइटली. फिर थोड़ा सा रुके और हम लोग को देखते हुए धीरे से बोला, गॉड सेंड वी मे बी अलाइव टू नाइट. गॉड सेंड क्या है? यहाँ गॉड सेंड एक प्रेयर है, एक प्रेयर इन्होंने की जिस तरह से हम लोग भगवान को याद करते हैं कि हे भगवान काश हम कल बच जाते. तो इसी तरह इन्होंने कहा गॉड सेंड, काश हम आज रात जिंदा बच जाते. एमिन सेट फ्रिज. अब फ्रिज ने कहा एमिन, एमिन यानी आमीन, और इसका मीनिंग होता है मे इट बी सो, यानी ऐसा ही हो. तो इन्होंने प्रेयर किया सैप ने, तो फ्रिज ने जवाब दिया आमीन या एमिन, यानी ऐसा. द ट्रेन स्टॉप, ट्रेन अब रुक गई थी. फ्रिज एंड सैप्ट लीव्ड आउट एंड हेल्ड द डोर फॉर मी. क्योंकि अब मैं एक राजा की तरह लग रहा था, मैं राजा बन गया था, मुझे राजा प्रिटेंड करना था, तो फ्रिज और सैप जो मेरे फ्रेंड थे उन्होंने फ़ौरन उतरते ही दरवाज़ा मेरे लिए खोला. आई चोक डाउन अ लंप दैट रोज इन माई थ्रोट. मुझे अपने हलक में कुछ अजीब सा महसूस हुआ. देन आई सेटल्ड माई हेलमेट फर्मली ऑन माई हेड. फिर मैंने अपने जो मेरा जो हेलमेट था मेरे सर पे, मैंने उसको ठीक से सेटल किया. एंड ब्रीद अ शॉर्ट प्रेयर टू गॉड. और चुपके से गॉड से प्रेयर किया. द लास्ट थिंग आई डिड वॉज टू फील इफ माई रिवॉल्वर वॉज हैंडी. फिर लास्ट टाइम जो मैंने फील किया था वो मैंने ये देखा कि मेरी रिवॉल्वर हैंडी है कि नहीं, मतलब मौके पे मैं उसको फ़ौरन निकाल सकता हूँ कि नहीं. एंड माई सोर्ड लूज इन द स्कैबार्ड. और मेरी सोर्ड स्कैबार्ड में लूज है कि नहीं. स्कैबार्ड क्या होता है? म्यान को कहते हैं. कहते हैं ना तलवार म्यान में रखो, म्यान से निकालो. एक कवर होता है जिसके अंदर हम तलवार को रखते हैं. तो उसने चेक किया कि ऐसा तो नहीं कि मतलब दुश्मन सामने आ जाए हम अपनी रिवॉल्वर और सोर्ड ही निकालते रह जाएं. तो उसकी तैयारी मैंने धीरे से चेक कर ली. देन आई स्टेप्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द स्टेशन एट स्ट्रेलसाओ. फिर मैं स्ट्रेलसाओ के स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उतरा. द बेल्स थ्रू आउट द सिटी ब्रोक आउट इनटू अ जॉयफुल पील. मेरे उतरते ही शहर में जितनी बेल्स थी जिनको जॉय के ओकेशन पे बजाया जाता था वो सारी बज उठी. द साउंड ऑफ अ मिलिट्री बैंड एंड ऑफ मैन चीयरिंग स्ट्रक माई ईयर. मेरे कानों में वो आवाज़ गूंजने लगी. वो आवाज़ें कौन सी थी? मिलिट्री बैंड की आवाज़ थी और बहुत से लोग थे जो जोर शोर से राजा के लिए नारा लगा रहे थे. किंग रुडोल्फ द फिफ्थ वॉज इन हिज गुड सिटी ऑफ स्ट्रेलसाओ. उन्हें लग रहा था कि रुडोल्फ फिफ्थ, जिसका कोरोनेशन होने वाला है, रुडोल्फ फिफ्थ राजा, वो अब स्ट्रेलसाओ में आ गया है. एंड दे शाउटेड आउटसाइड गॉड सेव द किंग. और वो बाहर चिल्ला रहे थे कि हमारा राजा अमर रहे. ओल्ड सैप्स माउथ रिंकल्ड इनटू अ स्माइल. जो सैप थे, क्योंकि वो बूढ़े थे, तो जब स्माइल किया उन्होंने तो उनके चेहरे पे झुर्रियाँ और ज़्यादा दिखने लगी, पर फिर भी वो खुश थे. गॉड सेव देम बोथ. उन्होंने कहा, धीरे से कहा, ही विस्पर्ड कि गॉड दोनों को बचाए. दोनों को, रेसिंडल को भी जो एक अंडरस्टडी था और किंग रुडोल्फ को भी. करेज लैड, लैड मीन्स लड़का. एंड आई फेल्ट हिज हैंड प्रेस ऑन माई आर्म. ऐसा कहते हुए मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने अपना हाथ धीरे से मेरी बाहों पर रखा. अ ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स स्टूड अवेटिंग मी. बाहर ऑफिसर्स का ग्रुप मेरा वेट कर रहा था.
At the head was a tall old man covered with medals and in a military uniform. और उनके बिल्कुल आगे एक लंबे से बूढ़े आदमी खड़े थे जो पूरा मेडल से कवर थे और मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन रखा था. मार्शल स्ट्रैकन्स, विस्पर्ड सेप्ट. सेप्ट ने कहा, ये मार्शल स्ट्रैकन्स हैं एंड आई न्यू दैट आई वॉज इन द प्रेजेंस ऑफ द मोस्ट फेमस वेटरन ऑफ द रूडिशेनिया आर्मी. अब मैं समझ गया था कि मैं रूडिशेनिया आर्मी के सबसे फेमस वेटरन से मिल रहा हूँ. वेटरन क्या है? एक ऐसा इंसान जिसको आर्मी में बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस होता है और वो वहाँ पे सबसे हाई और रेस्पेक्टेड पोजीशन पे होता है. तो मुझे बिल्कुल फील हो गया, यानी कि रेसेंडर को फील हो गया कि ये बहुत अच्छे ही रूडिशेनिया आर्मी के वेटरन से इनका सामना हो रहा है. द मार्शल सैल्यूटेड मी इन अ फ्यू लॉयल वर्ड्स. मार्शल ने मुझे कुछ अच्छे वर्ड्स के साथ सैल्यूट किया. आई एक्सेप्टेड हिज ग्रीटिंग्स वेरी सुएवली. मैंने उसकी ग्रीटिंग को बहुत सुएवली अटेम्प्ट किया, मतलब एक्सेप्ट किया. सुएवली क्या है? एक ऐसा मैनर जिसमें कॉन्फिडेंट और एलिगेंस शो होता है लेकिन अंदर से थोड़ा सा डरा हुआ भी रहता है. एंड रिसीव द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट. और बहुत से अलग अलग गेस्ट थे जिन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दिया और मैंने सबको रिसीव किया. मैं बहुत खुशी से सबको मैंने ग्रीट किया, यानी मैं हर किसी से ठीक से मिला. नो वन रिवील्ड द लीस्ट सस्पिशन. किसी को ज़रा भी मुझ पर शक नहीं हुआ. सो आई फेल्ट माई नर्व रिटर्निंग. नर्व रिटर्निंग मीन्स मैं मुझे अब नॉर्मल फील होने लगा. पहले मैं क्या डर रहा था, लेकिन अब मुझे लगा कि नहीं, मैं बिल्कुल नॉर्मल हो रहा हूँ. एंड द ट्रबल बीटिंग ऑफ माई हार्ट सबसाइडिंग. और जो डर था मुझे, जिसकी वजह से मेरा दिल धड़क रहा था, वो भी अब सबसाइड होने लगा, कम होने लगा. प्रेजेंटली आई माउंटेड माई हॉर्स एंड स्टार्टेड टू राइड थ्रू द स्ट्रीट्स विद द मार्शल ऑन माई राइट एंड सेप्ट ऑन माई लेफ्ट. अब इस वक्त मैं हॉर्स पर बैठ चढ़ गया और मैंने राइडिंग स्टार्ट कर दी. मेरे राइट हैंड साइड में मार्शल था और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे सेप्ट था. द सीन वॉज ब्रिलियंट एज वी रोड स्लोली टू वेयर द रॉयल पैलेस स्टूड. जब हम पैलेस जाने लगे तो रास्ते का सीन बहुत ब्रिलियंट था, हमें बहुत अच्छा लगा और हम धीरे धीरे राइड कर रहे थे. एवरी हाउस वॉज हंग विथ रेड एंड डेकोरेटेड विथ फ्लैग्स. हर हाउस रेड कलर से पेंट था और फ्लैग से वो डेकोरेटेड था, सजा हुआ था. द स्ट्रीट्स वर लाइन विथ रेस सीट्स ऑन ईच साइड. सड़कों पे हर किनारे पे ऊंची ऊंची सीट लगी हुई थी. आई पास अलॉन्ग बोइंग दिस वे एंड दैट. हम उधर से गुजरे और कभी मैं इधर बो करता था, कभी मैं उधर झुक करके बो करता था. अंडर अ शावर ऑफ चीयर्स, ब्लेसिंग्स एंड वेविंग हैंडकरचीफ्स. वहाँ पे लोगों ने मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया, बहुत सब खुश थे, ब्लेसिंग्स दे रहे थे और हर जगह लोग अपनी हैंडकरचीफ्स हिला हिला के स्वागत कर रहे थे. द बालकनीज वर फुल ऑफ ब्राइटली ड्रेस्ड लेडीज़. और जो घरों की बालकनियाँ थीं उनमें बहुत सी लेडीज़ खड़ी थीं जो अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थीं. हु क्लैप द हैंड्स एंड कर्टसाइड, जो अपनी तालियाँ भी बजा रही थी और मुझे कर्टसाइड कर रही थी, यानी मुझे विश भी कर रही थी. अ टॉरेंट ऑफ रेड रोजेस फेल ऑन मी. टॉरेंट मीन्स बौछार होना या किसी चीज़ को तेज़ धार से फेंकना. तो मेरे ऊपर अचानक से फूलों की बौछार होने लगी और वो फूल थे रेड कलर के रोज़. वन ब्लूम लॉज्ड इन माई हॉर्सेज मेन. उनमें से एक खिला हुआ फूल मेरे घोड़े की मेन में अटक गया. मेन क्या होते हैं? जो घोड़े के सर पे लंबे लंबे से बाल होते हैं, या जो शेर होता है, बाघ होता है, उसके लंबे लंबे बाल होते हैं, उसको मेन कहा जाता है. तो एक खिला हुआ फूल उसकी मेन में आके अटक गया. एंड आई टुक इट एंड स्टक इट इन माई कोट. मैंने उसको निकाला और अपनी कोट में लगा लिया. द मार्शल स्माइल ग्रिमली. ये देख के मार्शल धीरे से मुस्कुराए. द रेड रोज फॉर द एल्बर्ग्स मार्शल, सेड आई गेली एंड ही नॉडेड. गेली मीन्स खुशी से. तो मैंने खुश होते हुए कहा कि ये रेड रोज एल्बर्ग्स के मार्शल के लिए. तो उन्होंने हाँ में सर हिला दिया. आई हैव रिटन गेली एंड अ स्ट्रेंज वर्ड इज इट मस्ट सीम. यहाँ पे राइटर या जो नरेटर है रैसेंडल, उसने कहा कि मैंने यहाँ पे मार्शल के लिए गेली वर्ड यानी शेयरफुल वर्ड यूज़ कर दिया है, लेकिन अंदर से मुझे बहुत गिरीनेस फील हो रहा था. गिरी क्या होता है? एक ऐसा एक्साइटमेंट जिससे बहुत लगता है कि हाँ, बहुत एनर्जी, बहुत, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हमारे अंदर एक अलग से एक्साइटमेंट और एनर्जी होती है, वही फीलिंग गिरी है. तो मुझे गिरीनेस अंदर से थोड़ा सा फील हो रहा था. एट दैट मोमेंट आई ऑलमोस्ट बिलीव दैट आई वॉज इन वेरी ट्रूथ द किंग. उस वक्त मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था, बिल्कुल अंदर से यकीन सा लग रहा था कि शायद जैसे मैं ही असली राजा हूँ. वेल वी वेंट बाय एंड देन द मार्शल टर्निंग राउंड इन हिज सैडल वेव्ड हिज हैंड. सैडल क्या था? जो घोड़े की काठी होती है. तो मार्शल ने अब घोड़े की काठी पे घूमते हुए चारों तरफ अपना हाथ हिलाया. द सोल्जर्स क्लोज्ड राउंड अस
सो दैट द क्राउड कुड नॉट कम नियर मी। और जितने सोल्जर्स थे फर्म में उन्होंने चारों ओर मेरे घेरा बना लिया ताकि भीड़ मेरे पास ना आ सके। वी वर लीविंग माई क्वार्टर ऑफ द सिटी एंड एंटरिंग ड्यूक माइकल। अब हम शहर छोड़ करके माइकल ड्यूक माइकल के घर जा रहे थे, उससे मिलने जा रहे थे। हियर ब्लैक माइकल और स्ट्रेसो वॉज अ होप अ हीरो एंड अ डार्लिंग। यहाँ पे क्या है, मुझसे ज़्यादा लोग ब्लैक माइकल को पसंद करते थे और लोगों की वो उम्मीद था, वो एक हीरो था, वो एक डार्लिंग था, लोग उसे ज़्यादा पसंद करते थे। दिस एक्शन ऑफ द मार्शल शोड मी मोर क्लियरली दैन वर्ड्स। और मार्शल का जो ये एक्ट था जो उसने फॉर्म में चारों ओर सोल्जर्स को तैनात कर दिया ताकि मैं जनता से ना मिल पाऊँ, ये देख के मुझे और यकीन हो गया कि लोग क्यों ब्लैक माइकल को मुझसे ज़्यादा पसंद करते हैं। What the state of feeling in the town must be। और मैं लोगों की फीलिंग को समझ गया कि क्यों वो उसको मुझसे ज़्यादा पसंद करते हैं। But if fate made me a king, the least I could do was to play the part handsomely। Handsomely means perfectly। लेकिन अगर किस्मत ने मुझे थोड़ी देर के लिए भी राजा बनाया है तो मुझे कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे जो हो सकता है मैं अपना पार्ट अच्छा ही प्ले करना चाहता हूँ। Why this change in order, Marshal? said I। मैंने मार्शल से कहा मार्शल अचानक से ऑर्डर आपने क्यों दिया। इट इज़ मोर प्रूडेंट सर, ही मर्मर्ड। उन्होंने धीरे से कहा कि ये ज़्यादा सुरक्षित था, ये ज़्यादा प्रूडेंट था। प्रूडेंट मीन्स अच्छा मौका था, अच्छा चतुराई थी इसी में, हमारी भलाई इसी में थी कि हमको ये करना पड़ा। आई स्टॉप द हॉर्स, मैंने अपने घोड़े को रोका। लेट दोज इन फ्रंट राइड ऑन, मैंने कहा जो आगे चल रहे हैं, राइड कर रहे हैं, उनको जाने दीजिए। सेड आई टिल दे आर 50 yards अहेड, जब तक वो हमसे 50 yards की दूरी पर ना हो जाए। बट यू कर्नल सैप्ट एंड माई फ्रेंड्स वेट हियर टिल आई हैव रिडन 50 yards। कर्नल सैप्ट और मेरे दोस्त आप लोग यहाँ रुकिए जब तक मैं 50 yards आगे ना राइड कर लूँ या चला जाऊँ। एंड सी दैट नो वन इज़ नियर टू मी, और आप देखते रहिए कि कोई मेरे पास ना आए। आई विल हैव माई पीपल सी दैट दे किंग ट्रस्ट देम, मैं चाहता हूँ कि ये जो आम जनता है, ये जो मेरे लोग हैं, वो ये देखें कि उनका राजा भी उनके ऊपर उतना ही भरोसा करता है जितना वो अपने राजा पे करते हैं। सैप लेड हिज हैंड ऑन माई आर्म, सैप ने मेरी बाहों पे अपना हाथ धीरे से रखा। आई शुक हिम ऑफ, मैंने उसका हाथ वहाँ से झटक दिया। द मार्शल हेजिटेटेड, अब मार्शल को थोड़ा सा झिझक हुई। हेजिटेशन मीन झिझक, इसका मतलब था सैप ने मेरे हाथ पे हाथ रख के मुझे रोकने की कोशिश की, जब मैंने उसको झिझक दिया तो मार्शल को फिर हेजिटेशन हुआ, उसकी हिम्मत नहीं कि वो आके मुझे रोके। एंड एम आई नॉट अंडरस्टूड सेड आई एंड द मार्शल गेव द ऑर्डर्स, मैंने कहा क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आता है क्या, मुझे हर चीज़ समझ में आ रही है। जब मैंने ये कहा तो मार्शल ने फिर अपने आदमियों को पीछे हटने के लिए कहा। आई सॉ ओल्ड सैट स्माइलिंग इन टू हिज बियर्ड बट ही शुक हिज हेड एट मी, मैंने देखा कि अपनी बूढ़ी दाढ़ी में सैट मुस्कुरा रहे थे लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी तरफ खुशी से सर हिला दिया। इफ़ आई हैड बीन किल्ड इन ओपन डे इन द स्ट्रीट ऑफ स्ट्रेसो सैट पोजिशन वुड हैव बीन अ डिफिकल्ट वन। ओपन डे मतलब खुलेआम, अगर मुझे इस तरह से स्ट्रीट में खुलेआम मार दिया जाए तो इससे सैट की पोजीशन पे बहुत बड़ा बट्टा लगेगा, बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सो आई राइडिंग अलोन एंटर दिस बेयरली डेकोरेटेड पार्ट ऑफ टाउन, तो मैं चुपचाप अकेले इस टाउन के पार्ट में जो सजा हुआ था आराम से राइड करने लगा। राइड मीन्स घोड़े पे चलने लगा। इट वॉज मोर इंटरेस्टिंग फॉर आई हर्ड द कमेंट्स ऑफ द क्राउड, और लोगों की भीड़ में से जो कमेंट्स आ रहे थे उसको सुनना बहुत ही अच्छा लग रहा था। इफ़ ही इज़ रेड क्राइड एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत ने कहा कि अगर वो लाल है तो इसका मतलब वो सही है, यानी सचमुच करा जाए। लाल क्या है, अगर उसके बाल रेड कलर के हैं तो इसका मतलब वो राइट है, मतलब वो सचमुच का असली राजा है। आई लाफ्ड एंड टुक ऑफ माई हेलमेट, मुझे इस बात पर हंसी आ गई तो मैंने अपना हेलमेट उतार दिया। सो दैट शी माइट सी दैट आई वॉज ऑफ द राइट कलर एंड द क्राउड चीयर्ड मी एट दैट, ताकि वो मुझे देख सके और वो भीड़ मुझे देख सके कि हाँ मैं उसी रेड कलर का हूँ, और ये देख करके वो भीड़ मेरे पर खुश हुई और सब बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। ही लुक्स पेलर दैन यूजुअल सेड वन, फिर भीड़ में से किसी एक ने कहा कि ये पहले से ज़्यादा दुबले लग रहे हैं। ही इज़ अ बिगर मैन दैन आई थॉट सेड अनदर, दूसरे का नहीं मैंने जैसा सोचा था ये उससे भी बड़े इंसान लग रहे हैं। सो ही हैड अ गुड जो अंडर दैट बेड आफ्टर ऑल कमेंटेड अ थर्ड, फिर किसने कहा कि इसका मतलब इनकी दाढ़ी के नीचे इनका एक गुड जो है, इसका मतलब होता है कि जैसा ये देखने में है वैसे ये है नहीं, हम इनको कुछ और समझते थे पर ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे निकले, हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा। सो चिल्ड्रन, एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्ट वन इज़ कम्प्लीट नाउ, वी शैल कंटिन्यू द अनदर पार्ट इन वीडियो 2।